अगर आप SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जहां पर 5% तक के रिवॉर्ड्स मिलते हैं या आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। और वो बुरी खबर यह है कि SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में जो 5% के कैशबैक मिलते हैं ये बहुत सारी कैटेगरीज में मिलना बंद होने वाले हैं 1 मई 2023 से। तो SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड को लेकर क्या नया अपडेट है और इस क्रेडिट कार्ड में आपको कौन कौन सी चीजों पर कैशबैक्स नहीं मिलेंगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास SBI बैंक से एक ऑफिशियल मेल आया होगा। अगर आप इस नोटिस पर गौर करेंगे तो यहां पर आपको हर एक कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि इन कैटेगरी में अगर आप स्पेंडिंग करते हैं तब आपको कैशबैक नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं जहां पर आपको कैशबैक्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप ज्वेलरीज परचेज करते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तब इन ट्रांजेक्शन पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। सेकंड चीज, अगर आप स्कूल की फीस भरते हैं या एजुकेशनल सर्विसेज के लिए स्पेंडिंग करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके तब यहां पर भी आपको कैशबैक नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप यूटिलिटीज पर खर्चा करते हैं, मतलब जो जरूरत की चीज होती है उस पर खर्चा करते हैं तब यहाँ पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कार, गिफ्ट, नॉवेल्टी या सोवरेन शॉप्स पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तब भी यहाँ पर 5% तक के कैशबैक नहीं मिलेंगे। अगर किसी मेंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉजी कैश पर कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तब यहाँ पर भी आपको कैशबैक्स नहीं मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अगर आप रेलवेज के ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप IRCTC के वेबसाइट पर जाकर टिकट बुकिंग करते हैं, अगर आप रेलवे के किसी भी ऐप में फंड्स को ऐड करते हैं तब भी यहां पर आपको कैशबैक्स नहीं मिलेंगे। और आज के इस वीडियो में जिन चेंजेस के बारे में बताने वाला हूं वो चेंजेस अप्लाई होने वाले हैं 1 मई 2023 से। पहले क्या होता था कि इन सारे कैटेगरीज में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी लिमिटेशन लगा दी गई है। अगर आप इस टेबल को गौर से देखेंगे तो इनके सामने वाले कॉलम में एक कोड लिखा हुआ है और इन कोड से पता चलता है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कहां कहां पर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेबल के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दो नोटिस और हैं। अब जैसे कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि मैक्सिमम कैशबैक दैट कैन बी अर्न ऑन ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड इन अ स्टेटमेंट साइकिल विल बी कैप्ड एट ₹5,000। जहां तक मुझे याद है पहले इसकी कैपिंग जो है वो ₹10,000 तक की होती थी। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे तो एक महीने में आप ₹10,000 तक के कैशबैक अर्न कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी लिमिट लगा दी गई है और यहाँ पर जो लिमिट है वो 50% से कम कर दी गई है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर पहले लॉन्च एक्सेस का फीचर मिलता था, यहाँ पर लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च बेनिफिट विल बी डिसकंटिन्यूड, मतलब आने वाले टाइम पीरियड में बहुत सारे कैशबैक जो है वो इस कार्ड से गायब होने वाले हैं। अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मुझे SBI के कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बेटर है कि मैं एक्सिस बैंक के कार्ड का इस्तेमाल करूं, किसी और कंपनी के कार्ड का इस्तेमाल करूं, लेकिन ये कार्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखो, मार्केट में जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो करंटली अपने चार्जेस को इंक्रीज करते जा रही हैं और बेनिफिट्स को कम करते जा रही हैं। अगर आप एक्सिस बैंक के कार्ड को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप HDFC बैंक के कार्ड को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कार्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो इन सारे कार्ड्स में भी सेम चीजें दिखाई देगी। कुछ सर्टेन कार्ड्स ऐसे हैं जहां पर आपको अच्छे पॉइंट्स कमाने को मिलेंगे, अच्छे कैशबैक कमाने को मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड में ऐसा ही हो रहा है। अगर आप SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।